सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा और इसके साथ ही आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि नया साल आ चुका है और इस नए साल पे हर इंसान कुछ ना कुछ नई प्लानिंग करता है। उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है ये वीडियो, जिसमें कि आज हम आपको बता रहे हैं कि घर में नए साल पे जो कैलेंडर लाए जाते हैं उसमें वास्तु कहाँ अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि वास्तु घर के हर कोने में अप्लाई होता है, छोटी से छोटी चीज़ों में, छोटी से छोटी दिशाओं में, सब जगह वास्तु अप्लाई होता है, वो अपना रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो आप घर में जब कैलेंडर लाते हैं, हालांकि आजकल तो लोग मोबाइलों का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैलेंडर घर में हर हाउसवाइफ यूज़ करती है। ठीक है, तो वो कैलेंडर के लिए भी हम वास्तु को देखते हैं कि कौन सी नियम, वास्तु के नियम हमें यूज़ करने हैं इस कैलेंडर के लिए। कैलेंडर जो घर में लाया जाता है उसी को हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जो है कैलेंडर जो है ख़रीदते हैं तो उसके लिए क्या नियम आपको ध्यान रखना है कि कैलेंडर कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला ये नियम ध्यान रखें, कहीं से कोना ना कट रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो वास्तु बिगड़ जाता है। कई दुकानदार होते हैं कि अरे ज़रा सा कट रहा है, इसके रेट आपको कम करके दे देंगे, आप खरीद लीजिए, लेकिन आपको ऐसा कैलेंडर बिल्कुल भी नहीं खरीदना, इसमें लालच नहीं करना है आपको। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जब आप कैलेंडर घर में ले आते हैं तो उसमें, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कैलेंडर जब खरीदे तो राहु काल का खास ध्यान रखें। राहु काल के टाइम पर आपको कैलेंडर नहीं खरीदना है। राहु काल कितने बजे का होता है वो आपको वैसे गूगल पे मिल जाएगा, और बाकी आप चाहें तो हमसे भी बात कर सकते हैं इस बारे में, वैसे मिल जाता है गूगल पे, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी का मैटर नहीं है। तो राहु काल में आप कैलेंडर ना खरीदें। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात हो रही थी, सेकंड पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब नया कैलेंडर आप लगाएंगे तो पुराने कैलेंडर के ऊपर नया कैलेंडर नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखिए। पुराने कैलेंडर को हटा दीजिए और तब आप जो है नया कैलेंडर वहाँ पे यूज़ करिए। अधिकतर ये लोग भी करते हैं कि पुराना कैलेंडर टंग रहा है उसी कील पे नया उसके ऊपर ही लगा दिया, ये ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो नेगेटिविटी आपके घर में, नेगेटिविटी का फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको कभी भी कैलेंडर को दरवाजे के पीछे नहीं टांगना है। ये भी आप अधिकतर घरों में देखते हैं कि किसी को दिखाई नहीं दे, केवल हमें ही तो देखना है, तो दरवाजे के पीछे की साइड में, बैक साइड में हमने कैलेंडर को टांग दिया। इससे क्या होता है, इससे वास्तु दोष बहुत अच्छा खासा बनता है और आपकी तरक्की रुकने लग जाती है। दुर्भाग्य को आप न्योता दे रहे हैं दरवाजे के पीछे कैलेंडर लगाने से, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनसे वास्तु दोष होता है जो आपको पता भी नहीं लगता कि आपने किस तरीके से वास्तु दोष घर में बना लिया है। अब चौथा खास पॉइंट, कैलेंडर लाए हम घर में, राहु काल को भी देख लिया, उसके हिसाब से कैलेंडर घर में लिया है, अब दरवाजे के पीछे भी नहीं लगाना है, पुराने कैलेंडर पे भी नहीं लगाना है, तो अब लगाना कहाँ पर है, कौन सी दिशा में लगाना है, अब ये टॉपिक आता है। तो देखिए, कैलेंडर को भूल के भी साउथ की दिशा में मत लगाइएगा, ये ध्यान रखिए। साउथ जो है आपकी यम की दिशा होती है, साउथ में हम अपने कैलेंडर नहीं लगाएंगे। तो अब लगाना कहाँ पर है, अब ये बात आती है, तो कहाँ लगाएं, आप नॉर्थ में लगाइए, उत्तर दिशा में अपने कैलेंडर को लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जाती है, समय बहुत अच्छा ऑटोमेटिक ग्रोप होने लग जाता है, तरक्की बढ़ने लग जाती है अगर आप नॉर्थ में लगाते हैं। गेन बढ़ाना है आपको, जो है जो भी आप काम कर रहे हैं उससे लाभ बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, वेस्ट में लगाइए, बहुत अच्छा काम होता है इससे भी लगाने से। वेस्ट में आप लगाते हैं तो ऑटोमेटिक गेन बढ़ने लग जाते हैं, और ईस्ट में लगा सकते हैं, सोशल में इम्प्रूवमेंट होती है, कनेक्शन बढ़ते चले जाते हैं, जो इन दिशाओं के एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपको साउथ में नहीं लगाना है। बस इतना, चार नियम बताए हैं, बहुत होते हैं नियम मैंने, लेकिन मोस्टली चार जो खास नियम होते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपने इनमें से जो मैंने बताए हैं इनके अगर नेगेटिव रूप में आपने इस कैलेंडर को यूज़ कर रखा है तो उसे पॉजिटिव बनाइए, तरीके से उसको यूज़ करिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और इसके साथ ही अगर जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं लोगों से, जिससे उनको फ़ायदा मिले। और यदि किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप किस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं, उसको भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।